हेलो, देखिए आज हम लोगों ने कैसे टेट किया, मैं आप सभी के साथ अपडेट कर दूं। देखिए मैंने आज टेट शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बताया था कि आज हम फुट के साइड में जाने वाले हैं, तो उसका कंडीशन में मैंने बताया था क्या कंडीशन होगा, ऊपर की ओर जाएगा, वीकनेस दिखेगा, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो आज हमने वही किया है, वही इजेक्ट किया, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। देखिए सबसे पहले मैं अपना स्ट्राइक प्राइस शेयर कर दूँ, फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए स्ट्राइक प्राइस था 28,22,500 का फुट था, मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। जो मेरा एंट्री पॉइंट था, ये 1.40 पॉइंट का टारगेट होता है, तो आज हमने 20 पॉइंट का 1.4 लिया। क्यों? क्योंकि एसएल जो था वो मेरा कम था, ओनली 4 पॉइंट का एसएल था, ओनली 4 पॉइंट का एसएल था, इसलिए मेरा टारगेट जो है वो कम पॉइंट में ही अचीव हो गया। देखिए मैं अपना टेलीग्राम शो कर देता हूँ आप सभी के साथ, फिर इसमें बताता हूँ कि मैंने कैसे लिया, क्या लॉजिक था। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस टेलीग्राम से जो नहीं जुड़ा है अभी तक, उसको मैसेज किया जा रहा है हमारी टीम की ओर से, आप लोग इसमें रिज्वाइन हो जाइएगा। ये मैसेज हमें लग रहा है कि 2 दिन तक और चलेगा, 2 दिन तक किया जाएगा आप सभी के साथ मैसेज, तो आप इसमें हो जाइएगा। क्योंकि ये क्या हुआ है कि ये डिलीट हो गया था अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट, मेरे से ही कुछ गलतियां से मेरे गलती से ये डिलीट हो गया था, तो मुझे फिर से बनाना पड़ा। मैंने कॉन्टेक्ट किया था टेलीग्राम चैनल के कस्टमर केयर से, तो उन्होंने नहीं बोला कि सर आपको बनाना पड़ेगा। तो एनीवे देखिए सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि मैं अपना स्ट्राइक प्राइस शेयर करता हूँ, तो स्ट्राइक प्राइस मैंने शेयर किया। देन उसके बाद मैंने एंट्री यहीं पे बना ली थी, लेकिन फिर मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि एग्रेसिव एंट्री प्रीफर नहीं करने का, क्योंकि कल का जो हुआ था मेरा लॉस हुआ था, इसलिए मैं एग्रेसिव एंट्री प्रीफर नहीं किया। देन इसके बाद मैंने डाइवर्जन जब नोटिस किया यहाँ पे, तो मैंने फिर एंट्री बनाया यहाँ पे, एग्जिट जो बताया, फिर यहाँ पे देखिए एग्जिट बताया था, ये लिया था 230 पे लिया था, 228 पे एग्जिट कर लिया था ओनली 2 पॉइंट का। फिर उसके बाद मैंने यहीं पे एंट्री बनाया था, लगभग तुरंत मैंने एंट्री बनाया था। जैसे ही एंट्री बनाया मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, देखिए 230 पे लिया था, लगभग 228 पे मैंने लिया था। हाँ तो ये एसएल, ये 4 पॉइंट का एसएल था, जिसमें से मेरा इसमें टारगेट डन हो गया था एक ही कैंडल में। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट इसलिए हो गया कि रीटेस्ट पे फिर एंट्री को बनाया। देखिए जैसे कि 1.4 आया टारगेट, मैं एग्जिट हो जाता हूँ, फिर हम जब टारगेट के बाद जब हम बनाते हैं, तो उसमें ओनली प्रॉफिट का 10% या 20% लेते हैं लॉस, रिस्क लेके मैं फिर दोबारा एंट्री करता हूं। तो मैंने जैसे ही आप सभी के साथ ये शेयर किया कि इस पे हम लोग रीटेस्ट पे हम लोग बनेंगे, तब तक जैसे ही शेयर किया तब तक देखें मार्केट ने फॉल कर दिया। तो अब इसमें चलती रैली में तो ले नहीं सकते, लेकिन आज का ट्रेड डन हो गया, 1:4 मैंने टारगेट डन किया। और देखिए आप सभी के साथ लॉजिक शेयर कर दें, लॉजिक यही है कि देखिए सबसे पहले प्रीवियस डे का देखा जाता है। प्रीवियस डे का देखिए, प्रीवियस डे में मार्केट नीचे की ओर क्लोजिंग भी दिया है और कंटिन्यू नीचे की ओर ट्रेड किया है, तो इसको देखते हुए आज का हमने ट्रेड का प्लान बनाया था कि हम लोग ट्रेड ऊपर का ही लेंगे। और सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट क्या था कि मार्केट ऊपर की ओर कंटिन्यूशन करेगा तो एक ज़रूर वीकनेस शो करेगा, तो उसी पे हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वीकनेस शो किया, तो यहीं पे अपनी एंट्री बन गई थी, और टारगेट था इसको ब्रेकआउट टारगेट था, लेकिन इसी पे मैंने एग्जिट कर लिया था। देन लेने के लिए इसको रीटेस्ट अगर किया होता, थोड़ा सा एक कैंडल और क्लोज किया होगा, तो दूसरा कैंडल में मैं एंट्री बना लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉल कर दिया मार्केट। अगर सपोज अगर रहे होते तो सपोज भी हो गया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जुड़ सकते हैं। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको मैसेज हमारी ओर से जा रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।